वहीं HBTI कानपुर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रबंध की इस लापरवाही का खामियाजा लगभग 1500 छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ सकता है। विश्वविद्यालय की तरफ से सभी बच्चों का छात्रवृत्ति के लिए डाटा भेजा गया था, लेकिन उसे तय समय पर लॉक नहीं किया गया। इस कारण किसी भी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं आ सकी। इसको लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में छात्र जब बात करने कुलपति के कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने वहां पर उनको रोक दिया गया। इसके बाद छात्रों ने कैंपस में ही जमकर हंगामा किया और HBTU प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। छात्रों का आरोप है कि जब हम लोग कुलपति से मिलने पहुंचे तो कुलपति अपने कार्यालय में अंदर ही बैठे थे, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। इसके बाद DSW प्रोफेसर अलक कुमार सिंह और डीन प्रोफेसर AK राठौर छात्रों से बात करने आए और कहा कि आज किसी के पास समय नहीं है, बात करनी हो तो बाद में आना। इस पर छात्र भड़क गए और उन्होंने प्रोफेसर के सामने ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद प्रोफेसर राठौर ने कहा कि एक व्यक्ति आए और कुलपति से बात कर ले, इस बात पर कोई भी छात्र तैयार नहीं हुआ। छात्रों ने बताया कि 31 मार्च तक उनकी छात्रवृत्ति आनी थी, लेकिन किसी भी छात्र के खाते में पैसा नहीं पहुंचा। विश्वविद्यालय से डाटा लॉक न करने की बात की वजह से इन लोगों का छात्रवृत्ति नहीं आया इनके पास। इस विषय में जब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शमशेर सिंह से एक मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया और उन्होंने मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया।